गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 39 पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और आज के लेक्चर के अंदर हम अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ेंगे हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ की। पिछले टॉपिक के अंदर हमने कुछ मेजर चैलेंजेस पढ़े थे जो कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के थे। आज हम इस टॉपिक के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इस इंश्योरेंस मार्केट्स को मिली हैं। तो अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें, दैट इज़ द मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन बींग अ की डिटरमिनेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। कि अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो एक की डिटरमिनेंट है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की सक्सेस के लिए। बिकॉज एट मोर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट इंश्योर्स हैव अ लार्ज डाटा बेस ऑफ देयर डिस्पोजल। अगर हम कहते हैं कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की सक्सेस के लिए जो एक की डिटरमिनेंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वो इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक इंश्योर यूज़ कर रहा है जब अपने लार्ज डाटाबेस को डिस्पोज कर रहा है। तो लिंकिंग इंश्योरेंस विल अलाइड फाइनेंस प्रोडक्ट लाइक हाउसिंग लोन, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज, बैंक क्रेडिट कार्ड्स आर द न्यू चैनल्स ऑफ इंश्योरेंस। कि अगर हम अपने लिंकिंग इंश्योरेंस को देखें तो वहाँ पे हम अलाइड कर रहे हैं उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गए किसी भी कंपनी के अंदर, बैंक क्रेडिट कार्ड्स हो गए। तो ये कुछ न्यू चैनल्स हैं हमारे इंश्योरेंस के। तो इट इज़ अ डेफिनेट दैट द न्यू चैनल विल हेल्प द इंश्योरेंस कंपनी टू रीच आउट द फर्दर वाइड एंड डीपर। कि अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारे न्यू चैनल्स हैं ये हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी को रीच आउट करें, फर्दर करें, वाइडर करें और डीपर करें। सेकेंड इज़ प्रमोट अवेयरनेस, कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट मोर अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट इंश्योरेंस। कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने पब्लिक के बीच में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उनको हम करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में पब्लिक को बताएंगे तो उनका भी मन करेगा, वो भी मोटिवेट होंगे कि वो इस मार्केट के अंदर आएँ और इस मार्केट में से मिलने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको लें। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि हम अपने मार्केट के अंदर देख रहे हैं, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में देख रहे हैं। बिकॉज द लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज़ वेरी लो। और ये सब चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं, हम अपने अवेयरनेस को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें तो जो लेवल है हमारे इंश्योरेंस का वो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत लो है, उसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत लो है। लोगों को जितनी जानकारी नहीं होती, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती हमारे इंश्योरेंस मार्केट के इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ द प्रोफेशनलिज्म इन इंश्योरेंस मार्केटिंग। कि अगर हम देखें तो देयर आर द क्वालिटी इंश्योरेंस एडवाइजर इन द फील्ड ड्यू टू द पासिंग ऑफ IRDA बिल। कि अगर हम देखें तो एक क्वालिटी इंश्योरेंस एडवाइजर हमें इस फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं जो कि एक IRDA बिल को पास करके आए हैं। तो टू ऑप्टेन एन एजेंसी लाइसेंस, ट्रेनिंग एंड रिटर्न टेस्ट आर नेसेसरी। तो इस चीज़ को ऑप्टेन करने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी एजेंसी लाइसेंस, ट्रेनिंग और एक रिटर्न टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बहुत नेसेसरी होती है। तो मैनी एजुकेटेड यूथ रिटायर्ड ऑफिशियल्स आर टेकिंग इंश्योरेंस एजेंसी एज ए करियर। तो बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड यूथ हैं, रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं जो कि एक इंश्योरेंस एजेंसी को लेते हैं जिससे कि वो अपना एक करियर बिल्ड कर सकें। दे गाइड द कस्टमर सो दैट दे कैन सेलेक्ट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड रैदर दैन टू फोर्स सेलिंग। और ये अपने कस्टमर्स को इस तरीके से गाइड करते हैं जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिससे कि हम अपनी जो फोर्स सेलिंग है उसको कम कर सकें। तो अगर कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेगा तो हमें किसी भी तरीके की फोर्स सेलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूज अनटेप्ड मार्केट। कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनटेप्ड मार्केट इन द कंट्री। अगर हम देखें तो आज कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे अनटेप्ड मार्केट हैं। तो दिस गिव स्पेस फॉर ऑल प्लेयर्स टू ग्रो एंड एक्सपेंड द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और ये हमारे उन प्लेयर्स को स्पेस दे रहे हैं जो कि किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को ग्रो कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। अगर हम मिडिल क्लास पीपल की बात करें तो मिडिल क्लास पीपल आर हैविंग मोर अवेयरनेस देन द लोअर एंड हायर क्लास पीपल। कि अगर हम देखें तो मिडिल क्लास पीपल जो भी हैं उनके अंदर ज़्यादा अवेयरनेस होती है अगर उसको हम अपने लोअर क्लास या हायर क्लास के लोगों से देखें। दे वॉन्ट टू प्रोवाइड मनी फॉर द एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्योंकि उन लोगों को किसी भी तरीके की मनी की रिक्वायरमेंट होती है जब वो अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए
पैसा कलेक्ट करते हैं, साथ साथ अपने ओल्ड एज की नीड्स को पूरा करने के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। तो सो देयर इज़ अ मार्केट एक्सपेंशन फॉर द पेंशन प्लान एंड द चाइल्ड केयर प्लान। तो अगर हम अपने मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो कि हमारे फैमिली को भी प्रमोट कर रहा है, हमारी फैमिली के सपोर्ट कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंशन प्लान और चाइल्ड केयर प्लान जैसी चीज़ें भी इस मार्केट को एक्सपेंड कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग लाइफ एंड हेल्थ रिस्क। कि इंक्रीजिंग लाइफ रिस्क इन द प्रेजेंट एरा ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स एंड द टेररिज्म। कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो लाइफ की रिस्क है जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है आज के प्रेजेंट एरा के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि एक नेचुरल क्लाइमेट और एक टेररिज्म की वजह से आज लोगों को अपनी जान की ज़्यादा परवाह होने लगी है। तो द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ मैनकाइंड। और अगर देखें हम तो जो भी हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं वो हमारी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। तो इन सिटीज़ पीपल गॉट एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री लाइक ITs एटसेट्रा। तो अगर हम देखें तो जितने भी अगर हम देखें कंट्री के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए उन इंडस्ट्रीज़ का सिलेक्शन करना होता है जो किसी IT सेक्टर के होते हैं, ITs के होते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो ड्यू टू हैवी वर्क एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस दे गेट डिजीजेज। कि अगर किसी भी तरीके का हैवी वर्क या ऑक्यूपेशन स्ट्रेस होगा तो वो भी आपके लिए एक तरीके की बीमारी है। तो हैंस देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड फॉर दीज पीपल टू गो फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर इन पीपल्स को ग्रो करना है, उनको नीड है कि वो इस मार्केट में ग्रो होना चाहते हैं, तो वो हम अपने डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ IRDA। IRDA रेगुलेशन इंटेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट हैज़ ऑल्सो सेट आउट द ब्रांच मार्क फॉर सर्विसिंग सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ग्रीवियंस रिडेशन एंड सो ऑन। कि अगर हम देखें तो हमारे इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए IRDA है जो कि एक स्टैचुरी बॉडी है। तो IRDA जिस तरीके से रेगुलेशन करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को, तो सेट आउट करती है एक बेंचमार्क को जहाँ पे वो किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर्स की सर्विस, उनके क्लेम का सेटलमेंट और जितने भी ग्रीवियंस रेडिएशन है उनको करती है। साथ साथ वो कंटेन करती है उन मैटर्स रिलेट को जो कि किसी भी प्रपोजल को डिस्क्लोज करने के लिए हो, जो कि किसी इंश्योरेंस के हो या किसी भी स्टैचुरी कंटेंट हो किसी भी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के, और एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी हमारी IRDA रेगुलेट कर रही है। तो IRDA वॉज द इंश्योरेंस कंपनीज ऑलवेज। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं अगर हम उनकी बात करें तो IRDA उनको रेगुलर वॉच करती रहती है, मॉनिटर करती रहती है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी मिसहैपनिंग इन सेक्टर्स के अंदर ना हो जो कि हम अपने पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को ख़त्म कर दें। तो सो द कंपनीज कैन नॉट प्रोवाइड डेफिशिएंट कस्टमर सर्विसेज। इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने कस्टमर को एक डेफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती हैं जिससे कि कस्टमर उनसे टूट जाए। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, दैट इज़ कट थ्रेट कंपटीशन। लिबरलाइजेशन विल क्रिएट एक्यूट कंपटीशन इन द इंश्योरेंस मार्केट। कि अगर हम देखें कि जिस तरीके से लिबरलाइजेशन के आने के बाद एक एक्यूट कंपटीशन क्रिएट हुआ है हमारे इंश्योरेंस मार्केट के अंदर, और अगर हम फियर्स कंपटीशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो हम तभी कंटिन्यू कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स हमारी इस रेस का हिस्सा बने जो कि इंडियन इंश्योरेंस का है। तो इंडियन इंश्योरेंस के अंदर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं जिससे कि इस मार्केट के अंदर जो कंपटीशन लेवल है वो अलग ही तरीके का एक क्रिएट हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ कैटेगरी वाइज की चैलेंजेस ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। कि हम अब कुछ चैलेंजेस को देख रहे हैं जो कि इंश्योरेंस सेक्टर्स के हैं, तो उनको हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया है यहाँ पे। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस के की चैलेंजेस को देखें तो की चैलेंज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आर द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एंड डिज़ाइन। कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस के की चैलेंजेस को देखें किसी भी बिज़नेस के अंदर, तो वो हमारे प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और डिज़ाइन है, उसकी कॉस्ट है, टैक्सेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं हमारे वेरियस चैनल्स के, कंपनसेशन है, कस्टमर सर्विसेज है, गवर्नेंस है एंड रेगुलेटरी इशूज़ है। अगर हम अपने नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के की चैलेंजेस को देखें तो वहाँ पे हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करें, दैट इज़ द प्रोडक्ट प्राइसिंग, इनोवेशंस एंड सिंप्लिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनसेशन, माइक्रो इंश्योरेंस, गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी चेंजेस, हेल्थ इंश्योरेंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू काउंटर द कंपटीशन, इम्प्रूव फ्रॉड कंट्रोल मैकेनिज्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन टू रिड्यूस क्लेम लॉस, रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसीज बाई
रिविजिटिंग थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टी पी ए मीन्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हम टी पी ए कहते हैं, और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उन सबको हम कह सकते हैं कि वो हमारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस के कुछ की चैलेंजेस हैं जो कि हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।